नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने अपना नया एनुअल मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन प्लान अमेज़न प्राइम लाइट लॉन्च कर दिया है। नए अमेज़न प्राइम लाइट मेंबरशिप का प्लान की कीमत 999 रुपए है। इस प्लान की कीमत रेगुलर प्राइम मेंबरशिप प्लान की कीमत से 500 रुपए कम है। रेगुलर प्राइम मेंबरशिप प्लान की कीमत 1499 रुपए है। हालांकि कंपनी ने कम कीमत वाले प्लान के बेनिफिट्स में भी कटौती की है। इसके साथ ही नेटफ्लिक्स की तरह अमेज़न प्राइम लाइट मेंबरशिप वाले यूजर्स को प्राइम वीडियो OTT प्लेटफॉर्म में मूवी, वेब सीरीज या कोई और कंटेंट देखने पर एड देखने पड़ेंगे। जयपुर में दोस्ती कर एक किन्नर से कुकर्म करने का मामला सामने आया है। होटल में नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप किया गया है। अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर गलत काम करता रहा। जयसिंहपुरा कोर थाने में आरोपी बिजनेसमैन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। मामले की जांच SHO सत्यपाल यादव कर रहे हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से थर्माकोल बॉल्स में छुपी 26.5 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। ये कोकीन कोरियर के जरिए सप्लाई हो रही थी। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI की दिल्ली जोनल यूनिट ने कोरियर खेप को रोक दिया। जांच में 1922 ग्राम कोकीन बरामद हुई। DRI ने कहा कि ये खेप ब्राजील से साओ पाउलो से 2 बक्से में आई थी और बताया गया कि पार्सल के अंदर सजावटी सामान है। DRI ने अपने ऑफिशियल बयान में कहा कि दोनों बक्से जब खोले गए तो उनमें 2 क्रिस्टल ग्लासवेयर सजावटी बॉल्स निकले। ग्लास से ये बने बाउल टूटे ना, इसके लिए उन्हें थर्माकोल के साथ रखा गया था। जांच में पता चला कि थर्माकोल के कुछ बॉल्स बाकी की तुलना में थोड़ी भारी थी। करीब 10,000 थर्माकोल बॉल्स को जब खोला गया तो उसमें 972 बॉल्स में व्हाइट पाउडर की पॉलिथिन मिली। पाउडर की जांच करने पर ये कोकीन निकला है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर 6 महिला पहलवानों के यौन शोषण केस में बनी चार्जशीट में नए खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की जांच में से 6 में से 2 महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और एक का रास्ता रोकने या पीछा करने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस को कॉल डिटेल्स में कुछ खास हाथ नहीं लगा। इसकी वजह यह है कि टेलीकॉम कंपनियां 1 साल से ज्यादा का कॉल रिकॉर्ड नहीं रखती। चार्जशीट पेश होने के बाद साक्षी मलिक ने कहा कि अब स्पष्ट हो गया कि ब्रजभूषण कसूरवार है। साक्षी ने कहा, हमारे वकील ने चार्जशीट की कॉपी के लिए एप्लीकेशन दी है ताकि हम जल्द से जल्द उस पर लगाए चार्ज के बारे में पता लगा सके। हम देखेंगे कि वो चार्ज सही है या नहीं। सभी चीज़ें देखने के बाद ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे। यह भी देखेंगे कि हमारे साथ किए गए वादे पूरे हुए हैं या नहीं, जिनमें हमारे ऊपर दर्ज FIR वापस लेने की बात भी शामिल है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।